गणित में कथन को सिद्ध करने के लिए निगमनिक तर्कण यानी डिडक्टिव रीजनिंग का उपयोग करते हैं, जिससे व्यापक रूप से किसी भी कथन की सत्यता जांची व स्थापित की जा सकती है। व्यापकता के लिए हम यहाँ एक त्रिभुज की कल्पना करेंगे, जिसके आकार, कोणों की माप आदि के बारे में हम कुछ नहीं जानते, अर्थात वे कुछ भी हो सकते हैं। इससे हमारा निष्कर्ष हर त्रिभुज पर लागू होगा। प्रमेय एक, किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। उपपत्ति, एक त्रिभुज PQR दिया है, जिसके कोण क्रमशः कोण क्रमांक 1, कोण क्रमांक 2 और कोण क्रमांक 3 है। हमें सिद्ध करना है कि कोण क्रमांक 1 धन कोण क्रमांक 2 धन कोण क्रमांक 3 बराबर 180 अंश। रचना, QR के समांतर बिंदु P से होती हुई एक रेखा XPY बनाएं, ताकि समांतर रेखाओं के गुणों का उपयोग कर सकें। आकृति में कोण क्रमांक 4 धन कोण क्रमांक 1 धन कोण क्रमांक 5 बराबर 180 अंश, चूंकि XPY एक रेखा है। कोण क्रमांक 4 बराबर कोण क्रमांक 2 और कोण क्रमांक 5 बराबर कोण क्रमांक 3 एकांतर कोणों का युग्म है। कथन 1 में कोण 4 और कोण 5 का मान रखने पर हमें मिलेगा कोण क्रमांक 2 धन कोण क्रमांक 1 धन कोण क्रमांक 3 बराबर 180 अंश, यानी कोण क्रमांक 1 धन कोण क्रमांक 2 धन कोण क्रमांक 3 बराबर 180 अंश। इसमें कोण क्रमांक 1 व कोण क्रमांक 2 का अलग अलग मान व PQ, QR आदि की लंबाई कुछ भी हो सकती है, शर्त यह है कि त्रिभुज बन पाए। ज्यामिति में कथनों को सिद्ध करते समय हम अक्सर रचना करते हैं। इस उपपत्ति में हमने एक समांतर रेखा XPY खींची, जिससे हम एकांतर कोण प्रमेय का उपयोग कर पाए। करके देखें, सिद्ध करें कि पहला, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण दूरस्थ अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। दूसरा, किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तीसरा, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। चौथा, दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण व एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण व संगत भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। गणितीय भाषा का उपयोग करके सटीक, संक्षिप्त एवं स्पष्ट भाषा में लिखना। प्राकृतिक संख्या के इस गुणधर्म को पढ़ें। N1 धन N2 बराबर N2 धन N1। सभी N1 N2 अवयव हैं N के। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह प्राकृतिक संख्या का कौन सा गुणधर्म है? यह कथन प्राकृतिक संख्याओं में जोड़ के क्रम विनिमेय यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के गुणधर्म को बताता है। यानी शाब्दिक तौर पर कहें तो किन्हीं भी दो प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ उनके क्रम बदल कर जोड़ने पर भी समान रहता है। कथन में इसी बात को कुछ अक्षर, प्रतीक या चिन्हों की मदद से संक्षिप्त में लिखा गया है। जैसे दो प्राकृतिक संख्याओं को N1 और N2 से दर्शाया गया है, साथ ही दो नए संकेत सभी के लिए और का अवयव है भी है। यह छोटा सा गणितीय कथन यह बताता है कि किन्हीं भी दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि किसमें किसका योग कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि हम N1 और N2 को मान बदलकर कोई भी प्राकृतिक संख्या रख सकते हैं और हर मान के लिए N1 धन N2 बराबर N2 धन N1 प्राप्त होता है। इसी तरह से हम गुणा के लिए भी क्रम विनिमय के नियम को लिख सकते हैं। अब प्रमेय संख्या की निम्नलिखित परिभाषा को पढ़ें, जिसे अक्षर प्रतीकों की मदद से लिखा गया है। Q बराबर P/Q, जहां P और Q अवयव हैं I के
और क्यू बराबर नहीं है शून्य के। किसी परिमेय संख्या क्यू को पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं, जहां पी क्यू कोई दो पूर्णांक है और क्यू का मान शून्य नहीं हो सकता। करके देखें, निम्नलिखित गणितीय कथनों को शब्दों में लिखिए। ए की घात एम गुणित ए की घात एन बराबर ए की घात एम धन एन, जहां ए एम और एन अवयव हैं एन के। दूसरा, पी कोष्टक में एक्स धन वाई कोष्टक बंद बराबर पी एक्स धन पी वाई, जहां सभी पी एक्स वाई अवयव हैं आर के। तीसरा, प्राकृत संख्याओं के सभी गुणधर्मों को प्रतीक भाषा में लिखें।